नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से क्यों नहीं। प्रथम सूचना जो मिली वो सना की तरफ से मिली, क्योंकि वो मौके की चश्मदीद गवाह थी। तो इसमें विधिक रूप से कोई ना केवल ना कोई अड़चन थी, बल्कि ये एक तरीके से विधिक रूप से सही भी था कि जिस व्यक्ति के द्वारा प्रथम सूचना प्राप्त होती है उसकी सूचना पर यथा सूचना FIR कायम कराई जाए। वो FIR कायम करा दी गई। उसके बाद क्योंकि परिवार का एक परिवार के साथ जानकारी में कुछ बातें आई होंगी जिसको लेकर के वो एक FIR देना चाहते हैं। इस बात के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, अब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी है, रूलिंग्स आ गई हैं, इसलिए उसमें उनको निर्देश दे दिया गया है जो संबंधित अधिकारी हैं कि जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है मुकदमा कायम करके दोनों ही मामले, जो कि ऐसा भी नहीं कि क्रॉस केस हैं, एक ही केस के दो मामले हैं, उनको SIT को हैंड ओवर करके उनके द्वारा जांच की जाएगी। सर, एक सबसे बड़ा आरोप पुलिसिंग के ऊपर लगा हुआ है कि पुलिस ने उनके परिवार को सूचना नहीं दी, एक्सीडेंट हुआ था या उसको गोली भी लगी थी, वो सूचना पुलिस ने उनके परिवार को क्यों नहीं दी, अगर डेढ़ पौने दो के बीच की घटना है, लोहिया हॉस्पिटल के कर्मचारी ने दी। जी, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात परिवार ने भी मुझे बताई है। और SIT में इन विवेचना के अलावा इन सभी बिंदुओं को के ऊपर भी जांच की जाएगी। अभी आपको नहीं था प्राइमर फेसाई, जैसे मुकदमा तुरंत दर्ज कर लिया गया दोनों के खिलाफ, जेल भेज दिया गया उनको, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कहीं पे थाने के लेवल से या उनके ऊपर के लेवल से ये बात छुपाई गई या लापरवाही की गई। नहीं, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये बात फैक्ट है कि तत्काल उनको इस बारे में सूचना नहीं दी गई कि उनका इस प्रकार से मर्डर हो गया है, गोली लगी है, एक्सीडेंट की सूचना दी गई। जी नहीं, तो नॉर्मली यही होता है कि उसमें जी नामजद मैंने आपको क्या बताया कि उस समय जो उसके चश्मदीद गवाह थी सना, उनके द्वारा जो FIR दी गई उस पर FIR कायम हो गई। एक सेकेंड, अगर पुलिस के किसी भी अधिकारी का ये मंतव्य होता कि किसी को बचाया जाना है, तो वो अज्ञात FIR में भी उन दोनों कर्मचारियों का नाम ढूंढ करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई ना करते। द वेरी फैक्ट कि विद इन 5-6 आवर्स न केवल उन दोनों कर्मचारियों को की जानकारी प्राप्त की गई, बल्कि उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई थी 302 के अंतर्गत वो की गई, वो इस बात का संकेत देता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो वहाँ पर अधिकारी थे, उनका इस प्रकार का कोई भी मंतव्य नहीं था कि किसी भी कर्मचारी को गलत तरीके से बचाया जाए। हैविंग सेड दैट, क्योंकि इसमें मेन पीड़ित पक्ष जो है वो परिवार है, परिवार का अधिकार है कि उनको जो भी उनकी संतुष्टि के लिए कार्रवाई अपेक्षित है कानूनी तरीके से वो की जाए। और जैसा कि मैंने आपको एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कोट किया है, उस जजमेंट के तहत इस बात का अब प्रावधान हो गया है कि सेम इंसिडेंट पर दोबारा FIR की जा सकती है, तो इन सब प्रावधानों के तहत उसमें FIR की जा रही है। न केवल FIR की जा रही है, बल्कि IG लखनऊ श्री सुजीत पांडे के नेतृत्व में एक SIT का गठन कर दिया गया है। उस SIT के द्वारा इन सभी पहलुओं की सूचना समय पर घटना के तफ्तीश के अलावा, घटना सूचना समय पर दी गई नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई, किसके द्वारा दी गई, क्या अलावा, सब चीज़ों का गहन अध्ययन किया जाएगा, तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मृतक की गाड़ी है, जिस जगह पर ये मृतक की गाड़ी मिली